Assalamualaikum. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंस्ट्रल साइकिल का है तो हम मैंस्ट्रल साइकिल को डिस्कस करेंगे तो दिस इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नीचे हमारे पास एंडोमीट्रियम है उसमें चेंजेस जो हैं वो बताई गई हैं ऊपर जो है हमारे पास हार्मोनल चेंजेस हैं सो दिस इज़ द मेन्स्ट्रल साइकिल ऊपर हमारे पास ओवेरियन साइकिल है ओवेरियन साइकिल में फॉलिकल की जितनी डेवलपमेंट है जैन जो कॉर्पस ल्यूटम बनता है और उसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस और हम लोग जो है ओवेरियन और मैंस्ट्रल साइकिल को पैरेलल देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैंस्ट्रल फेज को सो दिस इज द मैंस्ट्रल फेज जो कि हमारे पास फोर टू फाइव डेज का होता है थोड़ा सा हम एंडोमीट्रियम का डिस्कस कर लेते हैं तो एंडोमीट्रियम क्या है इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इसमें हमारे पास दो लेयर्स होती हैं एक बेजल लेयर और एक फंक्शनल लेयर फंक्शनल कॉम्पैक्ट होता है ठीक है और जो बाहर से है वो स्पॉन्जी होता है ठीक है और जो बेजल लेयर है वो हमारे पास इस, इसकी शेडिंग नहीं होती ये डिटैच नहीं होता इट रिमेंस इनटेक्ट मेन्सिस में हमारे पास जो है फंक्शनल लेयर हमारे पास शेड ऑफ कर जाती है एंड इट पासिस द वेजाना दूसरी बात दिस एंडोमीट्रियम जो है दिस इज दि हारमोन डिपेंडेंट लेयर ठीक है तो ये वाली बात जो है वो याद रखनी है अब मेंस्ट्रुअल फेज में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले जो यूट्रस है इट शेड्स द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द सॉरी इट्स शेड्स ऑल द पार्ट एक्सेप्ट द डीपेस्ट पार्ट तो डीपेस्ट पार्ट हमारे पास बेजल लेयर होती है ठीक है इसका मतलब है जो ऊपर की दो लेयर्स हैं वो मेंस्ट्रुअल uh, मेंस्ट्रुअल साइकिल में Uh, जब हमें मैंस्ट्रेशंस होती हैं तो उसमें शेड ऑफ कर जाती है उसके अलावा इसमें कि ब्लीडिंग जो है वो थ्री टू फाइव डेज तक रहती है साथ में ब्लड भी हमारे पास थ्रू uh, वजाइना जो है मैंस्ट्रोल uh, फ्लो में निकल रहा होता है इसके अलावा जो हमारे पास ओवेरियन हारमोनस हैं सो दिस इज़ द ओवेरियन साइकिल राइट अब यहाँ ग्राफ में अगर अच्छी तरह से देखें तो यहाँ पे हमारे पास एफ एस एच दिस ग्रीन लाइन सॉरी दिस ब्लू लाइन रिप्रेजेंट द एफ एस एच दिस ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट द ल्यूटिनाइजिंग हारमोन तो हमारे पास जो मैंस्ट्रल फेज़ है दिस मैस्स्ट्रल फेज़ हमारे पास जो ओवेरियन हारमोन्स हैं मीन्स एफ एस एच और एल एच ये अपने लोवेस्ट लेवल्स में है ओके okay, इसके अलावा जो हमारे पास गोनाडर ट्रोफिन है दे आर अबाउट टू राइस ठीक है मतलब अभी राइस नहीं हुए गोनाडर ट्रॉफिन क्या है वो राइस करेंगे उसके बाद ओवरी को सिग्नल करेंगे कि आप जो है एफएसएच रिलीज़ कर दो तो सब मैंस्ट्रल साइकिल के एंड पे जो है पे हमारे पास थोड़ा मतलब एफएसएच uh, जो है इट बिगेंस टू राइज ओके okay, अब हम देखते हैं ओवेरियन साइकिल को तो शुरू में जो है फॉलिकल हमारे पास डेवलप कर होता है फॉलिकल थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं कि हमारे पास जब ऊ साइड है वो अंदर होता है इट इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल जिसको हम फॉलिकल बोलते हैं और जैसे जैसे हमारे पास फॉलिकल डेवलप करता है तो बाहर जो फॉलिकल लेयर है मतलब उनकी लेयर्स जो है वो इंक्रीज करती जाती हैं तो हमारे पास जो मेच्योर फॉलिकल है उसमें बाहर फॉलिकल लेयर्स की बॉयडल शेप के होते हैं काफ़ी ज़्यादा उसकी लेयर्स हो जाती हैं और काफ़ी थिक वो बन जाता है उसको हम आ, ग्रेफियन वेजिक्युलर या मेच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं इसकी काफ़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स भी हैं लेकिन है ओव्यूलेशन जो है दिस इज़ द ओव्यूलेशन फेस्ट ओव्यूलेशन में पता है सबको कि क्या होता है कि हमारा जो ऊ साइड है इट इज़ रिलीज फ्रॉम द मेच्योर फॉलिकल और जो जितना भी आ, ये रिमेनिंग चीज़ है ठीक है ये वहाँ पर फिर क्या बना देता है कॉर्पस uh, ल्यूटियम बना देते हैं और यहाँ पे अगर हम देखें सो दिस इज़ द एंडोमीटियम तो मैंस्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि जाहिर बात है जो एंडोमीटियम है उसका फंक्शनल लेयर शेड ऑफ कर रहा है सो एंडोमीटियम काफ़ी थिन हो गया पतला हो गया लेकिन आगे वाली फेजस में वी कैन सी के ये काफ़ी दोबारा से थिक एंड वेलवर्टी हो रहा है एंड इट इज़ प्रिपेयरिंग इट फॉर द नेक्स्ट साइकिल ओके नाउ वी विल डिस्कस द प्रोलीफ्रेटिव स्टेज और इसको हम फॉलिकुलर स्टेज भी बोलते हैं तो इसमें हमारे पास ऐसा होता है कि जो फॉलिकल है एक तो इसकी मेचोरेशन होती है दूसरा ये कि एफ एस एच वी न्यू के मेन्स्ट्रेशन के एंड पे जो है ना एफ एस एच जो है इट बिगेन्स टू राइज तो प्रोलीफ्रेटिव फेज में जो है एफ एस एच जो है काफ़ी हद हाँ तक राइज कर जाता है एंड इट स्टिमुलेट्स द फॉलिकल्स अब फॉलिकल में से कोई एक ही फॉलिकल सेलेक्ट होगा ठीक है और वो आगे के साइकिल में जाएगा जबकि बाकी फॉलिकल्स जो हैं दे स्टॉप टू ग्रो और फाइनली वो डिसिनटीग्रेट कर जाते हैं ऐसे फॉलिकल्स को हम बोलते हैं फॉलिकल एट्रीसिया ठीक है और इसके अलावा जो एक डोमिनेंट फॉलिकल बच जाएगा वो आगे जो है कंटिन्यू करेगा और हमारे पास मेचोर फॉलिकल बनेगा जिसमें हमारे पास ओजिनेसिस होगी ठीक है उसके बाद हमारे पास एफएसएच क्या करेगा ये ग्रेफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा कि वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करे ठीक है सो एस्ट्रोजन कैसे सिक्रीट हुई फ्रॉम द ग्रेफियन या वेजिक्यूलर या मेच्योर फॉलिकल ठीक है ये तीनों इसके नाम हैं अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा ये एंडोमीटर लाइनिंग को वेस्कुलराइज करेगा सो वी कैन सी कि शुरू में ये जो ब्लू ब्लू है दीज आर बेसिकली वेजल्स रिप्रेजेंटेशन तो शुरू में वेजल्स काफ़ी पतली पतली हैं ठीक हैं और छोटी हैं लेकिन जैसे जैसे एंडोमीटम हमारे पास बड़ा होता जा रहा है थिक होता जा रहा है तो जो वेस्कुलेचर है वो भी इंक्रीज़ करता जा रहा है काफ़ी हद तक ब्रांचेस भी हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये स्पायरल शेप में भी आता जा रहा है तो इसको हम स्पायरल आर्ट्रीज भी बोलते हैं उसके अलावा जो दूसरा होता है इस फेज में वो ये होता है कि हमारे पास जो सर्विक्स का म्यूकस है वो नॉर्मली थिन होता है लेकिन ड्यूरिंग द प्रोलीफ्रेटिव फेज वो थिक एंड स्टिकी कर जाते हैं और हमारे पास जो आ, मतलब नॉर्मली वो थिक होता है ठीक है आई एम सॉरी नॉर्मली वो थिक होता है लेकिन एस्ट्रोजन क्या करते हैं उसको थिन बना देते हैं इसका फ़ायदा क्या है जब हमारे पास सर्विक्स का म्यूकस थिन करेगा तो जब हमारे पास स्पम की डिपोजिशन होगी सो इट कैन ईजली क्रॉस द सर्विक्स एंड एंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है ओके okay, uh, ये जो सारा एस्ट्रोजन uh, की सिक्रीशन है ये नेगेटिव फीडबैक प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ एस्ट्रोजन राइज कर गया ठीक है इन द प्रोलीफ्रेटिव फेज लेकिन एस्ट्रोजन क्या करेगा ये एफएसएच को डिक्रीज़ कर देगा सो वी कैन सी हियर कि एफएसएच जो एंड ऑफ द प्रोलीफ्रेटिव फेज है उसमें हमारे पास डिक्रीज़ कर गया है विच टर्न कॉजेज द राइज़ इन द एल एच एल एच इज़ द ड्यूटीनाइजिंग हारमोन अब एल एच हमारे पास क्या करेगा नाउ वी एंटर द सिक्रिट्री या न्यूट्रियल फेस सो वी नो के ओव्यूलेशन हो गई उस साइडिकल क्या दिस रिमेनिंग स्ट्रक्चर इट इट इज़ कन्वर्टेड इंटू द कॉर्पस ल्यूटम और कॉर्पस ल्यूटम क्या है इट इज़ द येलोइश ग्लैंडल मैस ये जो कन्वर्जन है इट इज़ कॉज बाय दिस ल्यूटनाइजिंग हारमोन ठीक है तो कॉर्पस ल्यूटम में हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसको हम ल्यूटिन बोलते हैं एंड इट इज येलो इन कलर विच गिव इट्स द येलोइश अपेयरेंस ठीक है ओके अब हम एंटर uh, होते हैं सिक्रिट्री ल्यूटियल या इसको हम पोस्ट ओव्यूलेट्री फेज बोलते हैं पोस्ट ओव्यूलेट्री का मतलब ये है कि ओव्यूलेशन के बाद वाला फेज और जो ये वाला फेज है इसको हम प्री ओव्यूलेट्री फेज़ भी बोलते हैं अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि एंडोमीटियम अच्छा खासा डेवलप हो गया है और एंडोमीटियम में स्पाइरल आर्टरीज भी आ गई हैं वेस्कुलेचर विस्कुले, uh, भी इसका ज़्यादा हो गया इसका फ़ायदा क्या है कि इन केस अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन uh, हो जाती है और प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो जाती है सो दिस एंडोमीटियम इज़ वेल प्रिपेयर फॉर द इम्प्लान्टशन ऑफ द एम्ब्रियो तो इससे एक एम सी क्यू या पॉइंट हमारे पास आ गया कि एम्ब्रियो की इम्प्लान्टशन होती है इन द एंडोमीट्रियम इसके अलावा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन uh, हार्मोनल चेंज आता है वो ये कि जो कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास बनाए दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल आ, विल स्टिमुलेट और विल सिक्रीट प्रोजेस्टर ठीक है और ये प्रोजेस्टरोन क्या करेगा मतलब कॉर्पस ओपोसिट्रियम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन सिक्रिएट करेगा और ये इस फंक्शनल लेयर ऑफ द एंडोमीट्रियम को ग्लैंडुलर या सिक्रिएटरी लेयर में कन्वर्ट कर देगा तो हमारे पास जो एंडोमीट्रियम है वो बेसिकली यूट्रीन ग्लैंड बन गया क्या इन कैसे अगर हमारे पास प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो जाती है सो so, यूट्रीन ग्लैंड पहले से वेल प्रिपेयर होगा फॉर द सिक्रीशन ऑफ सब्सटांसेज इसके अलावा क्या होता है कि यूट्रीन लैंड में हमारे पास वी कैन सी बड़ा होता जाता है एंड वी कैन सी द क्वाइलिंग इन बिटवीन ठीक है कॉइलिंग भी हमारे पास होती जाती है ग्लाइकोजन भी प्रोड्यूस करता है यूट्रीन कैविटी में सो ब्लड रिच वेस्कुलेचर भी हमारे पास इसमें आ गया अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल फर्टिलाइजेशन नहीं होती ठीक है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कॉर्पस ल्यूटम विल सिग्नल एट डेट देर इज नो स्पम अराइव एंड कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस न्यूटम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा छोटा होता जाएगा रिग्रेस करता जाएगा दूसरा क्या करेगा हमारे पास एल एच जो है इट विल फॉल एफ एस एच भी हमारे पास फॉल कर जाएगा और जब कॉर्पस न्यूटम हमारे पास रिग्रेस कर जाएगा तो प्रोजेस्टोरॉन इट विल आल्सो फॉल अब यहाँ 28 डे तक हमारे पास सिक्रिट्री ल्यूटल फेस कंप्लीट हो जाता है इसके बाद दोबारा से मैंस्ट्रेशन स्टार्ट होगी अब मैंस्ट्रेशन में क्या होगा कि हमारे पास कॉर्पस ल्यूटम जो है डिग्रेस कर गया है हमारे पास जो एंडोमीटियम ये इतना ज़्यादा एंडोमीटियम जो इस्टेब्लिश हुआ था ये सारा का सारा क्या कर जाएगा डिटैच कर जाएगा रिमेंबर फंक्शनल लेयर विल डिटैच और वो हमारे पास मैंस्टल फ्लो में सिक्रीट हो जाएगा और इसके अलावा हमारे पास एल एच का लेवल भी फॉल कर जाएगा तो एंड्रोमीटियम बेसिकली हारमोनल सपोर्ट से डिप्राइव हो गया और एंड्रोमीटियम सेल की डेथ स्टार्ट हो जाती है एट द एंड ऑफ द मैंस्ट्रल और सॉरी एट द एंड ऑफ द सिक्रिट्री फेज इफ़ फर्टिलाइजेशन हेज़ नॉट अकर्ड अब हम डिस्कस करते हैं अगर फर्टिलइजेशन हो जाती तो क्या होता सो so, अगर फर्टिलइजेशन हो जाती तो स्पर्म और एग्स जो है आपस आप में क्या करते हैं जाइगोड बनाते हैं फिर वो एम बनाते हैं और एमब्रियो की इम्प्लान कहा होती है इन टू द एंडोमीटियम जो कॉर्पस ल्यूटम है फिर वो डीजेनरेट ना होता अगर फ़र्टिलाइजेशन ना होती ठीक है अब ये कॉर्पस ल्यूटम क्या है टू टू थ्री मंथ्स के लिए उसी जगह पर रहता है एंड इट विल कीप सिक्रिटिंग प्रोजेस्टरॉन बिकॉज हमारे पास एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टरन बहुत इंपॉर्टेंट है तो अब कॉर्पस ल्यूटम को पता कैसे चलेगा फर्टिलाइजेशन हुई है नहीं हुई uh, मुझे यहाँ पे सस्टेन uh, रहना है या मुझे रिग्रेस होना है तो होता हमारे पास ऐसा है कि जब हमारे पास जयकोड बनता है और जायकोड से फिर एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो की बाहर एक लेयर होती है उसका नाम मैं नहीं बताऊँगी बिकॉज इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग लेकिन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड उसका नाम हमारे पास होता है सिंशियो ट्रोफोब्लास्ट दिस ज नॉट द एफ एस सी लेवल स्टफ तो सिंशियोट्रोफोब्लास्ट करेगा ये हमारे पास एक हारमोन रिलीज करेगा जिसको हम बोलेंगे ह्यूमन कोरियोनोगोनेडोट्रोफिन गौन, हारमोन दिस एच सी जी इट विल गो टू दॉर्पस ल्यूटम ठीक है कॉर्पस ल्यूटम इसको सेंस करेगा और उससे पता लग जाएगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन हैज अगर और मुझे अब रिग्रेस्ट नहीं होगा दूसरी चीज ये कि जो एच सी जी है ये यूरन में सीक्रीट होती है यूरन ऑफ फीमेल ऑफकोर्स तो शुरू के टू टू थ्री वीक्स में ये यूरिन में सिक्रीट होती है तो इट इज़ यूज एज आ प्रेगनेंसी डिटेक्शन या प्रेगनेंसी टेस्ट ठीक है अब हम डिस्कस करते हैं अगर ये एच सी मेल्स में सिक्रीट हो तो मेल्स में अगर सिक्रीट हो तो मेल्स ऑब्वियसली दे डोंट हैव दिस मेन्स ओवेरियन साइकिल तो मेल्स में सिक्रीशन का मतलब ये कि देर समथिंग एबनॉर्मल तो इट इज़ द कॉज ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कैंसर होता है ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट अब हम दो चीज़ें और डिस्कस करते हैं सबसे पहले मेनार्क है मेनार्की मीन्स द फर्स्ट मेन्ट्रेशन ठीक है और सेकेंड हमारे पास मेनोपास है तो मेनोपास का मतलब होता है लास्ट मेन्ट्रेशन मैन पास नॉर्मली हमारे पास जो है वो फिफ्टी ईयर्स तक हो जाता है लेकिन इट डिपेंड्स फ्राम वेमेन टू वेमेन किसी को फोर्टी में किसी को फोर्टी फाइव में और मेन हमारे पास यूजली जो एवरेज है वो ट्वेल्व टू फोर्टीन ईयर्स है ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैंसोसाइकर अब हम जो है इसके नेमोनिक्स डिस्कस करते हैं ओके दोनों नेमोनिक्स हैं पहला प्रोलिफेटिव फेज का है प्लीज ईट फिश प्लीज के पी से प्रोजेस्टर ई से एस्ट्रोजन एंड फिश में जो है दिस इज़ द एफ एस एच ठीक है और सिक्रट्री फेज के लिए जो है वो है सेकेटरीज लाइट प्रोटेस्ट मतलब आप इमेजिन करें कोई सेकट्रीज हैं ठीक है ठीके? और वो प्रोटेस्ट के लिए निकले हुए हैं लेकिन वो प्रोटेस्ट छोटा सा है लाइट सा है तो सेकेटरीज से, से सिक्रट्री फेज हो जाएगा ऐसे हमारे पास ल्यूटनाइजिंग हारमोन हो जाएगा और साथ में ल्यूट्रियल फेज भी हो जाएगा और पी से प्रोजेस्ट हो जाएगा तो इससे जो है ना याद रहेगा कौन सा फेस में कौन सा हारमोन सिक्रिएट होता है ओके पहला एम सिक्यू है दिस एम सिक्यूज आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंट्री टेस्ट तो देखते इसको ऑन विच डेट अ विमेन मोस्ट लाइकली टू लाइकिस वॉज फर्स्ट मार्च अब आपको डेट कोई भी गिवन हो फर्स्ट मार्च या वट एवर और फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट मार्च को जो है मैंट्रेशन हुई है तो आपने सिंपली क्या करना है उसमें फोर्टीन को आपने प्लस कर देना है तो ये राउंड अबाउट फोर्टीन या फिफ्टीनथ मार्च को जो है ओव्यूलेशन होगी ठीक है आपने ऑप्शंस में देखना है जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा फोर्टीनथ या फिफ्टीनथ मार्च में से उसको आपने करेक्ट मार्क कर देना है ठीक है उसके बाद हमारे पास है इफ़ रप्चर्ड फॉलिकल इज डी जनरेटेड विदाउट फॉर्मिंग कॉर्पस ल्यूटियम विच विल बी एक्सपेक्टेड अब देखें रप्चर्ड uh, फॉलिकल है मेचोर है ठीक है वो डीजनरेट कर गया मीन्स के ओव्यूलेशन uh, अभी नहीं हुई ठीक है ओव्यूलेशन नहीं हुई मेच्योर फॉलिकल है एंड इट इज़ डीजनरेटेड फॉलिकल एट्रीजिया हुआ है तो जब ऐसा कोई सीन होगा तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास कॉर्पस ल्यूटम डेफिनेटली नहीं बनेगा ठीक है और हमारे पास ओव्यूलेशन भी नहीं होगी ओवियन ओवलेशन नहीं होगी तो जाहिर सी बात है मेन्स्ट्रेशन भी नहीं होगी और प्रेगनेंसी भी इस्टेब्लिश नहीं होगी लेकिन यहाँ पर हमने बेस्ट ऑप्शन देखना है तो जब पहला स्टेज ही नहीं होगा तो बाकी के जाहिर सी बातें नहीं हो सकते तो इसमें जो ऑप्शन नंबर वन है इट इज़ करेक्ट ओके फर्टिलाइजेशन अकर इन विच पार्ट ऑफ फ्लेपियन ट्यूब ठीक है तो फ्लेपियन ट्यूब जो है हमारे पास कुछ इस तरह का होता है ठीक है यूं करके होता है और यहाँ पे हमारे पास फिर यूट्रस स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे फिमरी होते हैं ठीक है जो ये वाला पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एम्प्यूला एम्प्यूला एंड दिस इज द प्रोजिमल पार्ट ठीक है तो जब आपसे पूछा जाए फर्टिलाइजेशन अकर्स इन तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो तो इट अकर्ज़ इन एम्प्यूलो फेलोपियन ट्यूब या फिर इट अकर्स इन प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब एम्बियो इम्प्लान सेट तो ये आसान है कि वो में इम्प्लांट होता है नेक्स्ट है मेन्स्ट्रेशन साइकिल अगर हमारे पास 35 डेज है तो ओव्योलेशन कब होगी अब ये पूरा का पूरा मैंस्ट्रोल साइकिल का इन्होंने बताया हुआ है कि 35 डेज है अब आपको कोई कोई भी साइकिल गिवन हो जितने भी डेज का फोर्टी फोटी वट एवर ठीक है कोई भी डेज आप को गिवन हो आपने क्या करना है सिंपली उसमें से को माइनस करना है ठीक है तो 35 में से जब हम 14 निकालेंगे तो ये हमारे पास 21 आ जाएगा तो इसका मतलब है जो ओव्यूलेशन होगी वो ट्वेंटी फर्स्ट डे पे होगी नेक्स्ट है इफ़ प्रेगनेंसी इज़ इस्टेब्लिश ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुएशन डैश थ्रू और पीयर सो जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है और प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसका मतलब है ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन है इट विल स्टॉप क्योंकि जब प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो जाती है तो उसके बाद सी बात है दोबारा ओव्यूलेशन और मैंस्ट्रेशन किसी सूरत में नहीं हो सकती ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द साइकिल होपफुली ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन हो डू आस इन द कमेंट सेक्शन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द ट्रेंड पोस्टिंग अल्लाह हाफिज़